YouTube चैनल विनर्स टेक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको मैं एसई की बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो कि सबको जानना चाहिए। अगर आप एसई का काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि एसई की बेसिक चीजें क्या होती है और उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एसी का काम करते तो हैं लेकिन उसके बेसिक जो फंक्शन है, उसके जो एसी के मेजर पार्ट्स हैं उसके फंक्शन क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं ये हमको नहीं पता होता है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको एसी के जो मेजर पार्ट्स हैं और उसके बेसिक जो काम है एसी का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसी क्या है और उसका काम क्या होता है। सवाल यह है कि एसी का काम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसी जो है एक कंफर्ट जोन के हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कूलिंग करने का काम करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। एसी का ये बेसिक काम होता है और इसके जो कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए और उसके फंक्शन भी आपको जान लेना चाहिए कि उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इसके मैं आपको बता दूं कि एसी का जो मेजर पार्ट्स होता है, एक पहला होता है कंप्रेसर। इसमें चार मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला कंप्रेसर होता है, दूसरा जो होता है कंडेंसर कॉइल होता है और जो तीसरा होता है आपका मीटरिंग डिवाइस होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये मीटरिंग डिवाइस है। तीसरा जो मीटरिंग डिवाइस होता है और चौथा जो होता है एवापोरेटर होता है। ये इसके चार मेजर पार्ट्स होते हैं और चारों का फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो कंप्रेसर जो है ये सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, जो कि आपको एवापोरेटर लाइन से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सक्शन लाइन है, यहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करता है और इसको लो प्रेशर का वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर के वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। तो इसका ये बेसिक काम होता है कि लो प्रेशर का जो है वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर के वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। और इसको हाई प्रेशर के वेपर रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन के थ्रू, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिस्चार्ज लाइन के थ्रू जो है इसको आपको कंडेंसर में भेजा जाता है। अब कंडेंसर का जो काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंडेंसर का काम जो होता है रेफ्रिजरेंट के हीट को बाहर निकालना, जो रेफ्रिजरेंट का हीट होता है इसको बाहर निकालना होता है कंडेंसर फैन के थ्रू, और उसके बाद से जो है वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई टेम्परेचर के वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना होता है, जो कि जो है आपका कंडेंसर का काम होता है। ये कंडेंसर का काम होता है। और जो तीसरा होता है वो मीटरिंग डिवाइस होता है, इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये मीटरिंग डिवाइस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये कैपिलरी टाइप है, ये मीटरिंग डिवाइस जो है कैपिलरी टाइप है। तो इसका फंक्शन क्या होता है वो अभी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कंडेंसर कॉइल से होके, जैसे कि यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपको मीटरिंग डिवाइस में एंटर करता है, तो ये होल जो है यहाँ पे देख रहे हैं इतने पतले पतले पाइप है, तो होल कम होने की वजह से जो है रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जिसकी वजह से इसका जो है यहाँ पे इसका प्रेशर जो है लो हो जाता है। जैसे तो यहाँ पे यहाँ से आउट होकर आपको एवापोरेटर में जाता है, तो यहाँ से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर होता है और यहाँ से आउट होता है लो प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ से आउट होता है और जो कि आपको एवापोरेटर में इंटर करता है। जब लो प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे चार ब्रांचे यहाँ से निकल के जब आपको एवापोरेटर में एंटर करता है अलग अलग जगह से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तब यहाँ पे लो प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है और यहाँ से जब एंटर करता है तो एवापोरेटर का काम क्या होता है आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो एवापोरेटर का काम होता है कि लो प्रेशर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर के वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना और जो आपके रूम के हीट को जो है एब्जॉर्ब करना होता है, जो कि इसमें ब्लोअर लगा होता है जिसकी वजह से रूम के हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है आपका जो है एवापोरेटर। तो इसका ये बेसिक जो है ये काम होता है, ये बेसिक फंक्शन होते हैं जो कि एसी के जो ये सारे बेसिक फंक्शन है जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो इसके सिर्फ चार मेजर पार्ट्स होते हैं, एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर, तीसरा मीटिंग डिवाइस और एक होता है एवापोरेटर। तो ये इसके मेजर पार्ट्स होते हैं और इसके कौन कौन क्या क्या फंक्शन होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी
और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो, कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप सिंपली जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पता कर सकते हैं और इसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।